हेलो डे स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों अगर आप यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है ये पूरी श्रृंखला एक्चुअली आपके लिए बहुत जरूरी है तो अगर आपने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो इसके बाद पूरी देखिए क्योंकि बिना वीडियो पूरी देखिए आपका भला नहीं होने वाला या किसी का भी भला नहीं होने वाला वीडियो अगर पूरा देखेंगे और वीडियो को पूरा आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और साथ साथ उनकी प्रैक्टिस और रिवीजन दोबारा करेंगे तो आप YouTube से ही पूरी लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं पूरा चनल, अगर पूरी आप प्लेलिस्ट तो पूरा हमने वहां है साथ साथ मेरे दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि क्लासों की सबसे पहले वहीं पर मिलती है तो फटाफट आप सभी लोग टेलीग्राम और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सब्सक्राइब कर मेरे दोस्तों, इसके बाद फटाफट तय करिए तो आ जाइए मेरे दोस्तों आप अपने पहले सवाल पे आपका पहला सवाल है दी गई आकृति में त्रुज ए बी सी डी ए मतलब इस पे एक परिवृत्त खींचा गया है एक परिवृत्त है ओके मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है कि बी एस इक्वल टू पचास भाई बी की ये पचास के बराबर है ये आपको दे भी दिया पचास के बराबर है ये कह रहा है साठ के बराबर तो मेरे दोस्तों आपसे कहा जा रहा है फिर बताओ BCD की वैल्यू बताओ B इस एंगल की वैल्यू आपको बतानी है तो मेरे दोस्तों याद रखना कभी भी अब मैं आपको बताता हूं यहां पे आ जाओ चलो मेरे भाई देखो जरा गौर से अगर आपके सामने कोई सर्कल ऐसे खींचा रहे है। ये कोई सर्कल है ठीक है बाबू और ऐसे कोई वृद्ध मतलब ऐसे कोई ट्रायंगल खींच दिया जाए ठीक है मेरे भाई ठीक समझे ये कोई ट्रगल खींच दिया जाए साथ साथ यहीं पे कोई और भी खींच दिया जाए ऐसे ऐसे करके इसे करके साथ साथ मैं आपसे कहूं कि कोई और भी यहीं पे खींच दिया जाता है मैंने कहा ये भी खींच दिया गया तो मेरे दोस्तों एक चीज याद रखना मैं बहुत ज्यादा अगर फॉर्मूले बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे बस आप वो देखो जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्तों मैं देखो मैं यहीं से चला यहां आया यहां आया यहाँ आया मेरा पेन उठा मेरा पेन उठा नहीं लेकिन मैं तीनों कोरों पे पहुंच गया नहीं समझे आ जाओ इससे आ जाओ मैं यहां से चला यहां गया यहां गया यहां गया मैं बिना पेन उठाए तीनों कोरों पे पहुंच जा रहा हूं अगर ऐसा आप भी कर सकते हैं तो मेरे दोस्तों ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये तीनों ही एंगल बराबर है मतलब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ये भी थीटा होगा एकदम देसी तरीका कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं फटाफट देखिए मेरे दोस्तों मैं बिना पेन उठाए मैं बिना पेन उठाए देखो पहुंचा रहा हूं नहीं पहुंचा रहा हूं बिना उठाए बिल्कुल पहुंचा रहा हूं तो मेरे दोस्तों फिर ये वाला एंगल जितना होगा ये भी इतना ही होगा इसका मतलब ये चालीस तो ये भी चालीस क्या, क्या? अच्छा ये सवाल था ये सवाल था ठीक है ये भी देखो मैं बिना पेन उठाए देखो यहाँ पे पहुंच जा रहा हूं देखो बिना पेन उठाए बिना पेन उठाए पहुंच रहा हूं नहीं पहुंच रहा हूँ ये पचास है तो ये भी पचास है और भैया ये पचास है तो इस वाले ट्रेंगल में आ जाओ इस वाले ट्रेंगल में देखो इस वाले ट्रेंगल में ये साठ ये पचास तो तीनों कोणों का योग होता है, 180, तो है एक सौ अस्सी तो भैया एक बात बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी तो आप कहेंगे सर जी इसकी वैल्यू फिर सत्तर डिग्री होगी कितनी होगी मित्र सत्तर डिग्री ठीक है क्लियर है ना एकदम देसी तरीका आपको बताया हमने नेक्स्ट देखो और यहां भी देखो तरीका हमने बता दिया है आपसे कह रहा है ओ एसी की वैल्यू बताओ ओ एसी की वैल्यू याद रखना यहां भी चीज जाओ यहां भी समझा देता हूं कुछ चीजें नेक्स्ट चीज में जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है सारी चीजें एकदम एक एक करके समझ लो आप सारी चीजें मेरे दोस्तों मान लो ऐसे ये केंद्र है इसका केंद्र है ये पे मैं इसको मिला हूं ठीक ये इसका केंद्र है यानी ओ है ये ओ फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं यहां से ये वाली लाइन में ठीक याद रखना मेरे दोस्तों त्रिभुज की परिधि पर बोलो त्रिभुज की परिधि पर बना कोण त्रिभुज के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है यानी कि अगर ये टू थीटा है, तो इसका मतलब ये थीटा होगा क्या होगा ये थीटा त्रिभुज की परिधि पर बना कोण त्रिभुज पर वृत्त के बने कोण का आधा होता है ठीक क्लियर आइए देखो भाई त्रिभुज की परिधि पे बना कोण है और यह त्रिभुज के वित्र पे बना कोण है तो यह क्या होगा जस्ट डबल होगा यानी कि दो ही गुड़ा चालीस यानी अस्सी डिग्री क्लियर भाई अस्सी डिग्री अस्सी डिग्री यह गुण पूछा जाता तो भैया ये चालीस होगा बात खत्म नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखो कह रहा है एक वृत्त का केंद्र ओ है भाई ये वृत्त का केंद्र है ये ओ है ओ ए बी भाई ओ ए बी कह रहा है ये साठ डिग्री है ये साठ डिग्री है अच्छा भैया ये साठ डिग्री है चलिए फिर देखिए और आगे क्या होता है आपसे कह रहा है कि भैया सी डी ए की वैल्यू बताओ सी डी ए की वैल्यू मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू आपको बतानी है इस वाले एंगल की वैल्यू आपको बतानी है तो मेरे भाई मैं बताओ क्या करूं आप मुझे बताइए मैं ऐसे सवालों में करूं क्या गौर से देखिए सवाल को और मुझे बताइए मैं क्या करूं ऐसे सवालों में मेरे दोस्तों एक बात मुझे बताओ गौर से कि भैया अगर मुझे ये पता चल जाए ओ ए बी ओ ए बी ये मुझे पता चल गया वृत्त का केंद्र ओ है सी डी ए की वैल्यू चाहिए मुझे एक बात बताओ अगर मैं एक काम कर लू क्या अगर मुझे कोई रचना वसना कर लू यहां से खींच लू तो इससे क्या पता चलेगा गौर से देखो मेरे भाई इस सवाल में क्या कर सकता हूं ये है अच्छा देखना ये दोनों त्रिज्याएं हैं ना ये दोनों त्रिज्याएं हैं यहां तो बात क्लियर है देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है ये बात क्लियर है मतलब इसके सामने का कोण बराबर होगा मतलब इसके सामने का ये कोण बराबर इसके सामने का ये कोण तो ये भी दोनों बराबर होंगे मतलब ये साठ तो ये भी साठ क्लियर ये साठ तो ये भी साठ अब जरा गोर से देखो यहां से आ जाओ भाई यहां से आ जाओ पहुंचा कि नहीं पहुंचा दोनों जगह देखो उठाया पेन देखो उठाया पेन मैंने ठीक है भाई पहुंचा दोनों जगह यानी ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल है यानी कि ये साठ तो है तो भैया ये भी साठ दोनों जगह मैं पहुंच जा रहा हूं ओके उम्मीद आप समझ के होंगे मैंने जो समझाया देसी तरीका वो आपके काम आ रहा होगा नेक्स्ट देखो जरा कह रहा है कि दी गई आकृति में एक वृत्त की प्रतिच्छेद रेखा प्रतिच्छेदी जीवा ए बी एंड सी डी है ए बी एंड सी डी ए बी एंड सी डी सी यहां लिख दो सी यहां लिखो डी यहां लिखो ए बी एंड सी डी है ठीक है भाई आपसे कह रहा है सी ए बी बराबर तीस सी ए बी इसको भी लिखो बराबर तीस के बीसीडी भाई बी सी और डी बी सी डी ये सत्तर की है बी सी डी ये सत्तर के बीसीडी सत्तर के है? तो आपसे पूछ रहा है सी बी डी सी बी डी ये वाली ये सत्तर है भाई ये वाली वैल्यू पूछ, पूछ रहा है आपसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है आपसे ठीक है तो मेरे दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं यहां से मैं चलाऊ अगर चाबुक यार ये सवाल मुझे देखो क्लियर हो नहीं पा रहा ठीक है अब जरा गौर से देखो अगर ऐसे करोगे ऐसे ठीक है ऐसे करो तो जितना ये एंगल उतना ये एंगल ये सवाल ही थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा ये थर्टी तो ये भी थर्टी होगा ये हो मेरे भाई ये हो जाएगा अगर ये सत्तर दिया हुआ क्या दिया हुआ देखो कह रहा है कि बी सी डी तो बी सी डी अलग ही कुछ पूछ दिया आपसे पूछा गया जरा कह रहा है कि सी बी डी तो भैया की वैल्यू पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों इस सवाल को आप छोड़ दीजिए मैं नेक्स्ट सेशन में कर दूंगा इस सवाल को ठीक है छोड़ दीजिए क्या किया जाए मतलब कुछ डेटा क्लियर नहीं हो रहा डेटा क्लियर होता तो मैं कर देता कह रहा कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है भाई वृत्त का केंद्र ओ है अच्छा जी कह रहा कि दो जीवाएं हैं जीवाए ए बी और बी डी सॉरी एसी और बी डी भाई ए सी और बी डी दो जीवाएं हैं ठीक है आपसे कह रहा है कि ए बी ए बी इसको ई e मान लो पानी क्या क्या कर दिया सी बी ई सी बी ई भाई सी बी ई ये एंगल हो जाएगा थर्टी के और ये बराबर सौ के उल्टा पुलटा कर दिया इसने ठीक है मित्र ये सौ के बराबर क्लियर है ना बिल्कुल अब मेरे दोस्तों आप एक बात मुझे बताइए आपसे पूछ रहा है कि ए बी डी की वैल्यू बताओ भाई ए बी डी ए डी बी यानी इस वाले एंगल की वैल्यू बता तो मेरे दोस्तों आप मुझे बताओ जरा अगर मैं पेन यहां से चलाना शुरू करूं तो यहां गया फिर यहाँ आया यहां गया फिर यहाँ आया जितना ये होगा उतना ही ये होगा यानी ये तीस तो ये भी तीस अब जरा गौर से देखो आपसे मैं कहूं मैं एक ट्रेंगल बनाना चाहता हूँ आपके सामने और इसको मैं बढ़ाना चाहता हूं ये सौ डिग्री हो ये तीस डिग्री हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अरे त्रिभुज याद करो बहिष्कोड़ बहिष्कोड़ सुदूरअंतर दोनों कोण तो इसका मतलब मेरे दोस्तों ये हो जाएगा ये सत्तर डिग्री कितना होगा भी वैल्यू ये सत्तर डिग्री होगी याद है ना बहिष्कोड़ वाला फॉर्मूला नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है भाई वृत्त का केंद्र ओ हो गया चलो कह रहा है कि ओ ए बी हा ओ ए थर्टी है फिर कह रहा है कि ओ सी बी ओ सी बी ये कह रहा है कि भैया ओ सी बी ओ सी बी ये पचास है फिर आपसे कह रहा है भैया बताओ क्या क्या बताओ तो मेरे दोस्तों आपको बताना क्या है बताना आपको ए की वैल्यू ए की वैल्यू इस वाले एंगल की वैल्यू आपको बतानी ठीक है इस वाले एंगल का आपको वैल्यू बतानी है तो मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों समझिए जरा बात को आप ये बात जानते हैं कि ये और ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो अगर ये थर्टी है तो ये भी थर्टी ही होगा तो फिर यह पूरा कितना होगा तीस तीस साठ हो गया ये हो जाएगा एक सौ बीस के एक सौ बीस के हो जाएगा क्लियर है बिल्कुल क्लियर है मेरे दोस्तों ये भी दोनों त्रिज्याएं हैं ये दोनों भी त्रिज्याएं हैं तो जितना ये एंगल है इतना ये भी होगा यानी कि ये पचास है तो ये भी पचास होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा तो पचास पचास सौ तो भैया ये वाला हो जाएगा अस्सी के बराबर अब ये अस्सी है ये पूरा एक सौ बीस है तो ये बताओ कितना होगा सर ये चालीस डिग्री होगा समझे कि नहीं बात को समझे ना नेक्स्ट नेक्स्ट दिघे आकृति में बीओ का केंद्र है मतलब वृत्त का केंद्र है ओ बी ओ वृत्त का केंद्र है कह रहा है कि ए ओसी बराबर सौ भाई एओसी यानी ये एंगल बराबर सौ के चलो भैया अगर ये सौ के बराबर है तब तो इसके बाद जितने भी एंगल बनेंगे वो पचास होंगे मतलब वृत्त पे जितने भी एंगल मतलब परिधि पे वो पचास होंगे आपसे कह रहा है कि बी ओसी की वैल्यू बताओ बी ओ सी मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू बताओ अभी इस वाले एंगल की वैल्यू हमें बताने की जरूरत थोड़ी है ये सीधी रेखा है ये सौ है तो ये पचास अस्सी होगा ये सवाल थोड़ी था ये तो झंडू सवाल था नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है भाई ये वाला एंगल चालीस है आपसे पूछा जा रहा है क्या ओ ए बी की वैल्यू O, A, o, 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 A b. इस वाले एंगल की वैल्यू एक एकदम सिंपल सवाल है ये भी ये दोनों क्या है बराबर है, कि है तो जितना ये उतना ही, है, उतना ही होगा ये थीटा तो ये भी थीटा होगा तीनों कोणों का योग कितना हो गया सर जी एक सौ अस्सी अकेले वो चालीस है तो ये हो जाएगा दोनों कोणों का योग एक सौ चालीस के यानी टू थीटा बराबर किसके 140 के तो थीटा बराबर सत्तर सत्तर डिग्री सत्तर सत्तर डिग्री तो थीटा बराबर क्या सत्तर डिग्री इसकी वैल्यू कितनी इसकी वैल्यू भी सत्तर डिग्री ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखो एकदम गजब सवाल है एकदम ललन टॉप सवाल दे दिया हमने आपको चलो भाई कह रहे हैं आपसे ओ बी ए ओ बी ए और ओ सी ए तो पूछ रहा है आपसे क्या मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है बी ए सी बी ए सी आ जाओ बी ए सी इस वाले एंगल की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है ठीक है मित्र चलिए देखिए दोस्तों आप हमारी बात समझिए जरा गौर से और हमें बताने का ये प्रयास करिए कि बाबू अगर ये केंद्र है ठीक तो जितना ये वाला ट्रायंगल होगा उतनी ही बोझा इसकी होगी और जितना ये होगा उतना ही ये होगा यानी अगर इस वाले ट्रायंगल में इस वाले ट्राइंगल में इस वाले ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल में ये बराबर अगर इसके है तो सामने इसके सामने का यह ये कोण बराबर इसके सामने का पच्चीस तो ये भी पच्चीस और ये तीस तो ये भी तीस तो तीस और पच्चीस कितना हो पचपन ये कितना हो जाएगा सर जी सीधा दो गुना यानी एक सौ दस कितना भाई एक सौ दस एक सौ दस होगा ना पचीस बीस पचास है ना पचपन पचपन गुना एक सौ दस एक सौ दस होगा मित्र एक सौ दस आप एक करेक्शन कर लेना यहाँ पे आंसर आपका एक सौ दस होगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखो कह रहा दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है भाई वृत्त का केंद्र ओ है चलो ये वृत्त का केंद्र हो गया ओ लंबा फिगर बनवा दिया हमने आपको कह रहा है ए वो भी व्यास है वो व्यास है चलो हो गया कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज है भाई एक चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज चतुर्भुज हो गया की प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझ लीजिए जरा चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है जैसे मान लो एक चतु चत्र, चक्रिय चतुर्भुज ही है ठीक है चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या होता है कि सारे जो कोण हैं जो कोने हैं वो परिधि को टच करते हैं और आमने सामने का जो कोड होता है वो एक के है। ये थीटा और के बराबर होगा तो थीटा प्लस बीटा हमेशा अस्सी डिग्री होगा और इसमें भी एक सौ अस्सी कोड हमेशा एक सौ अस्सी के बराबर होते हैं बस यही होती है प्रॉपर्टी चक्री चतुर्भुज की ठीक है भाई आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे देख लो सवाल आज का साथ ये सवाल है। ठीक है भाई आपसे कह रहा है क्या कह रहा है कि बी की वैल्यू बताओ भाई बी की तो बी ए और सी की वैल्यू यानी इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी जा रही तो अगर इसकी वैल्यू पता है, तो मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूँ एक सौ है तो ये पचास होगा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं ना मेरे भाई नहीं ना मेरे भाई अब आप मुझे बताइए अगर ये एक ट्रैंगल है अगर ये एक ट्राइंगल है अगर ये एक ट्राइंगल है अगर ये एक ट्राइंगल है ठीक अगर ये एक त्रिभुज है तो भैया याद रखना हमेशा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं समझिए जरा कि अगर एक कोई वृत्त है और ये इसका व्यास है तो अर्धवृत्त पे बना कोण हमेशा समकोण होता है अर्धवृत्त पे बना कोण हमेशा समकोण होता है अगर ये व्यास है तो इस पर कोई भी कोण बनेगा तो वो समकोण होगा तो देखो अर्धवृत्त पे बना कोण क्या है ये भैया ये समकोण है ये नाइन्टी डिग्री है अगर ये नाइन्टी है ये पचास हो तो बताओ ये क्या होगा सर जी नौ पांच हो जाएगा चौदह ये हो जाएगा चालीस डिग्री के और आपसे यही तो पूछ रहा था आपसे यही तो पूछ रहा था आपसे यही तो पूछ रहा था तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे दोस्तों अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लियर हो गई है इसके बाद मेरे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्यारी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल शेयर कर दीजिएगा आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच